अब बात करते हैं एग्जैक्ट आपको फॉलोअप करना कैसे है। मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूं। मान लीजिए आपने किसी को वेबिनार का लिंक दिया, उसने वेबिनार पूरा देख लिया, आपने पूरा देखा था कि वो प्रोस्पेक्ट पूरे वेबिनार में बैठा है। अब आपको फोन करना है, ऐसा फोन करना है कि जिससे दोबारा भी आपकी बात हो। आपके सीनियर को प्रोस्पेक्ट कितना मान सम्मान दे यह आप पर डिपेंड करता है। आपके सीनियर की बात को कितना माने आपका प्रोस्पेक्ट यह आप पर डिपेंड करता है। एक सेल्स प्रोफेशनल की लाइफ की सबसे बड़ी कोई गलती है तो वो ये है कि उसने फॉलोअप की ताकत को अंडरस्टिमेट कर दिया। जिसने भी फॉलोअप की ताकत को अंडरस्टिमेट किया है उसने एक साल, दो साल, तीन साल बहुत सारी मेहनत करने के बाद फाइनली उस सेल्स प्रोफेशन को क्विट कर दिया और हासिल कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों, सेल्स प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। फॉलोअप ही आपकी महीने की इनकम है। फॉलोअप ही आपकी बहुत बड़ी टीम का रिजल्ट है। जितना ज्यादा फॉलोअप उतनी ज्यादा आपकी इनकम। अगर आज कोई पैसा नहीं कमा रहा है, अगर आज वो एक साल से दो साल से मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉलोअप में मिस्टेक कर रहा है। या तो वो फॉलोअप कर ही नहीं रहा या वो फॉलोअप की ताकत को अंडरस्टिमेट कर रहा है। वो ये सोच रहे कि फॉलोअप से क्या होगा। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलोअप की ताकत को समझ चुकी है, करोड़ों रुपए फॉलोअप पे लगा रहे हैं। आप रोज देखते होंगे कि जब भी आप टीवी के सामने बैठते हैं हर 10 सेकंड के बाद ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट मिलती है जिस कंपनी को 20 साल हो चुके हैं, 30 साल पुरानी है। तो वो भी तो सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी तो बहुत पुरानी है, सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हर 10 से 15 मिनट के बाद हम एक नया एड देखते हैं। वो हमें नॉक कर रहे हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अभी जिंदा है मार्केट में, हमें परचेज करो। बहुत सारे लोग फॉलोअप की ताकत को समझ ही नहीं पाते कि मैंने तो उसको प्लान तो बता दिया, मैंने तो उसको इन्वाइट तो कर दिया, अब उसको करना होगा तो वो खुद ही कर लेगा, बार बार फोन करने से क्या। ऐसे माइंडसेट के लोग सेल्स के अंदर कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जहां भी किसी भी शोरूम में आप जाएंगे वो फॉलोअप करने के लिए एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट देते हैं कि जहां भी आपने कुछ भी परचेज करा वो नंबर मांगते हैं। जब भी आप बिलिंग करवाते हैं नंबर मांगते हैं कि भाई साहब अगली बार जब भी कोई डिस्काउंट आएगा हम आपको फोन कर देंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा, और ये नंबर देने के लिए आपको ये बेनिफिट होगा कि कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो पॉइंट्स का मतलब है, वो नंबर लेने का मतलब है कि आपको दोबारा फॉलोअप कर सके। इसलिए हमारे पास मैसेज आते हैं कि उस शोरूम के अंदर अभी इतनी छूट चल रही है, वो क्या है, वो एक फॉलोअप है। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आज ऐसे ऐसे रोबोट्स तैयार कर रही है, ऐसे ऐसे डस्टबिन तैयार कर रही है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट को खाया, उसको खत्म किया, उसके पैकेट को आपने उस डस्टबिन में डाला तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी ई कॉमर्स साइट काम कर रही है। यानी कि सेल्स प्रोफेशन के लिए फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, और इसको आपको सीखना पड़ेगा। सो आज इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि एक प्रोडक्टिव फॉलोअप आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से फॉलोअप करें कि जिससे आपकी बिलिंग होने के चांस बढ़ जाए। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट की कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है, कमेंट की कंजूसी मत करना। इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इस वीडियो के अंदर हम तीन पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले कि फॉलोअप में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, उसके बाद कि फॉलोअप में क्या करना है, देन आपको मैं बताऊंगा फॉलोअप कैसे करना, एग्जैक्टली आपको बात कैसे करनी है। ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉलोअप में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। वास्तव में अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। जैसे आप किसी को फोन करते हैं, मान लीजिए आपकी मीटिंग खत्म हुई, अब आप फोन कर रहे हैं किसी को, एक्साइटमेंट आप में इतनी है कि आप डायरेक्टली उससे पूछ लेते हैं कि हाँ जी सर, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। अगर आपने ये पूछा है, अगर आपने ये पूछ लिया कि सर मीटिंग कैसी लगी, तो इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा कि जैसे वो वेबिनार में प्रोस्पेक्ट बैठा है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई हैं, बहुत सारी चीजें बुरी भी आई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर आई है। सो नेगेटिविटी की एक खासियत होती है कि सबसे पहले उभर के वही आती है, पॉजिटिविटी बाद में दिखती है, नेगेटिविटी पहले दिखती है। सो आपने जैसे ही किसी को पूछा कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, तो उसको जो सबसे पहले नेगेटिविटी मिली थी वो सबसे पहले सोचने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देख लेना। इसकी जगह आप वो चीज करें जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको करना क्या है।
लेकिन आपको ये बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है। इसकी कसम खा लीजिए कि ये कभी नहीं पूछोगे कि आज की मीटिंग कैसी लगी, क्योंकि इससे सबसे पहले नेगेटिविटी दिखेगी दोस्तों। अब दूसरी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं, जैसे मीटिंग खत्म हुई बहुत एक्साइटेड है, वो सोच रहे हैं कि जैसे मेरे को समझ आया है वैसे सामने वाले को समझ आए। सामने वाले को इतना समझ नहीं आया, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स अभी चल रहे हैं, वो जब तक डाउट क्लियर नहीं होगे तब तक कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आपने अगर ये गलती कर दी कि राहुल जी आपने ये मीटिंग अटेंड करी है आपको कैसी लगी, उसके बाद वो पूछेगा कि बस बिलिंग करने के लिए बता दो कब तक बिलिंग करोगे, आप बिलिंग कब तक कर लोगे, जिससे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी या बहुत सारी चीजें उसी टाइम वो कर देता है। इसका मतलब आपने उस प्रोस्पेक्ट की 90% गुंजाइश खत्म कर दी बिलिंग होने की। सो दूसरी गलती ये है, ये भी आपको कभी नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्या करना है, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे करना है। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। सबसे पहला पॉइंट है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका पर्पज क्या है फोन करने का, आपने किस वजह से फोन किया है वो माइंड में अच्छे से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। क्योंकि जब तक हम सोचते नहीं है ना, तो हम बहुत सारी दूसरी बातें भी कर देते हैं। आपका पर्पज क्या है, आपको मैक्सिमम 2-3 मिनट की बात करनी है। आप अगर लंबी बात खींच देंगे तो दोबारा फोन नहीं उठाएंगे। आपका क्लियर पर्पज होना चाहिए कि मुझे ये बात करनी है। पूरी स्क्रिप्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक की बात करनी है। दूसरा पॉइंट है रेफरेंस प्रीवियस कम्युनिकेशन, यानी कि आपको याद दिलाना है कि हमारी इनविटेशन के वक्त बात हुई थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही कॉल करते हैं मशीन की तरह लग जाते हैं। हो सकता है वो भूल गया आपको, हो सकता है उसके पास नंबर सेव नहीं है, या किसी भी तरीके से आपको भूल गया है, तो आपकी बात को वो सुन ही नहीं पाएगा। आपको पहले रेफरेंस देना है कि हमारी बात हुई थी राहुल जी, अभी आपने वेबिनार अटेंड किया है और आगे उसके बाद शुरुआत करिए। आपको रेफरेंस जरूर देना है कि हमारी इनविटेशन के वक्त बात हुई थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी प्रोफाइल को वो मेंटेन करके बैठा है। जिस तरीके से आपने प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल को मेंटेन कर रखा है कि आप किससे किस पर्पज से बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसके प्रीवियस कम्युनिकेशन के बारे में बात करनी है। दोस्तों तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी से बात करें बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। आप विनम्र होकर बात करें, प्रोफेशनल तरीके से बात करें, उसको लगना चाहिए किसी भी बात से इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा ईगो फील ही नहीं होना चाहिए। बहुत विनम्र होकर बात करनी है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन को सीखना पड़े, और कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आपको एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, किसी से बात कैसे करनी है, बात शुरुआत कैसे करनी है। बहुत सारे लोग किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। इस तरीके से आपको बात नहीं करनी, पोलाइटली बात करनी है, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। और जब भी किसी से बात करोगे आपके चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, हम तो उससे ऑडियो पे बात कर रहे हैं, ऑडियो पे उसको पता थोड़ी लगेगी कि हमने स्माइल कर रखा है कि नहीं। याद रखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और साथ में मुस्कुरा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप वो मुस्कान उसको ट्रांसफर कर रहे हो, वो देख नहीं रहा लेकिन फील जरूर कर रहा है कि आप कितने खुश हो। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनविटेशन भी कर लेते हैं उसके बाद फॉलोअप भी कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बना पाते हैं कि मैंने कब किससे किस टॉपिक पे बात करी थी। आपको रिकॉर्ड रखना है, डायरी में नोट करना है कि मैंने रमेश से बात करी, मैंने शिव से बात करी, जो भी आपने जिस भी पर्सन से बात करी है आपको लिखना है, उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। कीप रिकॉर्ड। और जब तक आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे वो बिलिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में सेव है नंबर, वहीं से उसको इनविटेशन कर लिया और वहीं से उसको डायरेक्टली फॉलोअप कर दिया, वहीं से उसको वेबिनार का लिंक दे दिया, फिर कहते हैं कि सर हमारे साथ कोई बिलिंग नहीं करता। तो अगर आप अपने फॉलोअप को बहुत प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो जितने भी प्रोस्पेक्ट से आपने फॉलोअप किया है उसका सबका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, सबका हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। हिसाब किताब से मेरा मतलब है कि आपने क्या करी, कब फोन किया, सारा रिकॉर्ड आपके पास होना है। अब दोस्तों फॉलोअप का पांचवां और छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों पांचवां पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप कर रहे हैं, आपने सारी बात कर ली, कैसे करनी है वो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। वो सारी बात खत्म करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी है कि मैं अपने मेंटोर से बात करवाऊंगा। अपने मेंटोर की आप हाइप क्रिएट करिए कि मेरे मेंटोर इतने साल से काम कर रहे हैं, ये उनकी अचीवमेंट है, ये उनका रिकग्निशन है,
मैं आपकी वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगा कल शाम के 5 बजे। एक अपॉइंटमेंट आपको फिक्स करनी है कि मैं सर से बात करके अपॉइंटमेंट, या तो आप डायरेक्टली उसको ये भी बोल सकते हैं कि मैं दोबारा कॉल करके आपको बता दूंगा कि सर को कब टाइम है। आप सर की हाइप क्रिएट करिए और आप उनको ये भी बोलिए, अपॉइंटमेंट के साथ ये भी बोलिए कि जितने भी आपके डाउट्स हैं उस डाउट को आप किसी डायरी में नोट कर लीजिए कि मेरे ये डाउट हैं, तो आप मेरे मेंटोर के साथ वो डाउट शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके ये डाउट क्लियर हो जाए, एंड हो सकता नहीं, होगा, क्योंकि आपने अपने मेंटोर की हाइप क्रिएट करी है। आपने जैसा भी बताया है वो वैसे ही उनकी बातों को लेगा। आपके सीनियर को प्रोस्पेक्ट कितना मान सम्मान दे ये आप पर डिपेंड करता है। आपके सीनियर की बात को कितना माने आपका प्रोस्पेक्ट ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करी है तो हर बात को इस तरीके से लेगा। ये प्रैक्टिकल है, चेक कर लेना। आपको हाइप क्रिएट करनी है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। डायरेक्ट आपने बोल दिया कि 6 बजे मैं अपने मेंटोर से बात करके आपकी वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगा। आप एक डायरी पेन ले लेना, उसमें जो भी आपके डाउट्स है उसको नोट डाउन कर लेना, एंड जो भी आपके डाउट्स है वो मेरे मेंटोर से आप शेयर कर देना, उसी वक्त आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड छठा पॉइंट है दोस्तों, बी टाइमली। आपने अगर टाइम दिया है कल 7 बजे का, तो राइट 7 बजे फोन जाना चाहिए। ये नहीं हो कि कल 7 बजे का टाइम दिया और 7 बजे आप भूल ही गए। रिमाइंडर सेट कर लीजिए, क्योंकि बिना रिमाइंडर आपको याद नहीं आएगा। रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि कल 7 बजे मेरे को राहुल से बात करनी है, किसी से भी बात करनी हो रिमाइंडर सेट कर लेना। आपको राइट उसी टाइम पे फोन करना है, आपको टाइमली रहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप 7 बजे का फोन करके 9 बजे फोन कर रहे हैं तो ना तो आपकी कदर रहेगी ना आपके सीनियर की कदर रहेगी। अगर आपने राइट 7 बजे का बोल के राइट 7 बजे ही फोन किया है तो आप दोनों की कदर हो जाएगी, आपकी टाइम की कदर हो जाएगी और सीनियर की बहुत ज़्यादा कदर हो जाएगी। उसको पता लगेगा कि वास्ते में सामने वाला इंसान बहुत बड़े लेवल पे है और इसके पास पूरा शेड्यूल है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट आपको फॉलोअप करना कैसे है। मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को वेबिनार का लिंक दिया, उसने वेबिनार पूरा देख लिया, आपने पूरा देखा था कि वो प्रोस्पेक्ट पूरे वेबिनार में बैठा है। अब आपको फ़ोन करना है, ऐसा फ़ोन करना है कि जिससे दोबारा भी आपकी बात हो, और ये करने के लिए आपको इसी तरीके से बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी भी पर्सन को आप फोन कर रहे हैं जिनका नाम राहुल है, आपने फोन किया, हाँ जी राहुल जी कैसे आप, अभी हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, आपने याद दिला दिया। अब आप पूछिए कि राहुल जी आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। अब मैं आपको पते की बात बताता हूं, मान लीजिए आपने ये पूछा कि मीटिंग कैसी लगी तो वो नेगेटिव चीजें ढूंढेगा, और अगर आपने ये पूछा कि आज की मीटिंग में सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, वो सारी पॉजिटिव चीजें ढूंढने लग जाएगा। जैसे कि उसने देश विदेश की ट्रेवलिंग देखी, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने फाइनेंशियल फ्रीडम को देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीजें उसको याद आने लग जाएगी। इसकी जगह अगर आपने ये पूछा कि कैसी लगी तो ये सारी चीजें नीचे दब जाएगी, पहले नेगेटिविटी आ जाएगी। तो कभी ये नहीं पूछना कि कैसी लगी, आपको यही पूछना है कि सबसे बेस्ट आपको इस मीटिंग में सबसे बेहतरीन क्या लगा। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राहुल जी आज की मीटिंग में मैं चाहता हूं कि कोई 4 ऐसी चीजें बताओ जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हो। अगर आपने ये पूछा है कि सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, तो वो डायरेक्टली आपको ये बोल सकता है कि सर इसमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम या ट्रेवलिंग करने का जो है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आपको प्रोडक्टिव फॉलोअप करना है, और फॉलोअप करने से पहले आपको पता है कि मुझे किसी को इन्वाइट करना है, वेबिनार में बिठाना है, और किसी को भी अगर आप अपने वेबिनार में बिठाना चाहते हैं और इनविटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ये एक लेटेस्ट वीडियो है, इसमें बहुत अच्छे से मैंने गाइड करा हुआ है कि किसी भी पर्सन को आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं, अपने वेबिनार में कैसे बिठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे वेबिनार में कोई नहीं आता तो इसको हम फॉलोअप कैसे करेंगे। तो अगर ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट की कंजूसी मत करना, कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और एक चीज और बताइए, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक कमेंट कर दो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक पे मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा।
क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि ये चैनल आपको स्पेशली वो कंटेंट देगा जो आपकी एक्चुअल में डिमांड है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी चैनल है। एक मेरा मेन चैनल है, उसको भी शायद आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। वहाँ पर 2.25 लाख लोगों की ऑडियंस है, 2.25 लाख लोगों का हमारा एक परिवार है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।